हमारे साथ साथ हम लोगों को पता है कि जो हमने टॉपिक्स आज कवर करने हैं उसके अंदर पूरी की पूरी एम्ब्रियोलॉजी है, एनाटॉमी है, और उसके साथ साथ फिजियोलॉजी के कुछ टॉपिक्स हैं। तो हम सबसे पहले जो स्टेप्स लेंगे वो ये है कि हम एनाटॉमी से लेंगे, फिर उसके बाद हम एम्ब्रियो भी सारी की सारी कवर करेंगे। तो अब आप लोगों को जहां पर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई समझ ना आ रही हो, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, चैटिंग के अंदर कर दीजिएगा ताकि मैं फिर उसके मुताबिक जो है वो देख सकूंगा, ठीक है। और उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा क्लास में से मिस हो जाता है तो वो व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप के अंदर मैसेज कर दे ताकि फिर मैं दोबारा उसको ज्वाइन कर सकूं, इस तरह वापस जाना आना ये मुश्किल होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम लोगों को जो मेजर चीजें हैं जिनका हमें पता होना चाहिए वो ये है कि हार्ट की एनाटॉमी के अंदर आता क्या क्या है। अगर आपसे कोई बंदा पूछता है कि हार्ट की एनाटॉमी जब हम ये देखते होते हैं तो ये आपका स्ट्रक्चर जो है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई हार्ट पिक्चर ये बनी भी होगी, ये देखें, जस्ट इमेजिन करें, मैं आप लोगों से एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों, ये इसका कौन सा व्यू है, आप लोगों ने सिंपल बताया ये इसका कौन सा व्यू है, एंटीरियर व्यू, ठीक हो गया। अब आप खुद बताएं कि इस एंटीरियर व्यू के अंदर कौन सा चैम्बर जो है वो नहीं है, मतलब क्या यहाँ पर राइट एट्रियम है एंटीरियर व्यू के अंदर, ठीक हो गया, उसके बाद राइट वेंट्रिकल है यहाँ पे, ठीक हो गया, ओके, उसके बाद ये क्या होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ पर कौन सा हार्ट का ऐसा स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो हम लोगों को एक बात का पता है कि हमारे हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं वो कितने होते हैं, हमारे हार्ट के होते हैं चार चैम्बर, ठीक हो गया, दो एट्रियम और दो एक तरह के वेंट्रिकल। अब इन दो एट्रियम और दो वेंट्रिकल के अंदर सीन क्या होता है, अगर हम ये देखें कि हाँ जी जनाब दो एट्रियम होते हैं दो वेंट्रिकल होते हैं, तो आप लोगों ने यह कहना है कि देखें एंटीरियर व्यू के अंदर आपका एक चैम्बर नहीं होता, वो चैम्बर कौन सा होता है, आपका लेफ्ट एट्रियम। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो पूछते होते हैं कि हाँ जी जनाब ऐसा कौन सा चैम्बर होता है जो कि जनाब आपके मोस्ट पोस्टीरियर पाया जाता है, तो आपने क्या कहना होता है, लेफ्ट एट्रियम। अब मैं एक बात आप लोगों को थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगा, अगर बच्चों आप ये देखो कि फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों का ये स्ट्रक्चर कोई हार्ट का इस तरह है, बिल्कुल सिंपल अगर मैं बनाता हूँ, ये आपका राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब आपने खुद सोचना यह है कि जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है इसके दरमियान के अंदर एक वाल्व पाया जाता है यहाँ पे, इस वाल्व को कहा जाता है मिट्रल वाल्व। क्या कहा जाता है, इस वाल्व का नाम क्या होता है आपका, मिट्रल वाल्व इसका नाम होता है। अब देखें कि मिट्रल वाल्व इसका नाम है जो एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में पाया जाता है। अब जस्ट आप लोगों ने एक इमेजिन करना है, जस्ट इमेजिन, एक लफ्ज होता है स्टीनोसिस, स्टीनोसिस का मतलब होता है वाल्व का तंग हो जाना। अब जस्ट आप खुद गौर करें, अगर ये वाल्व तंग हो जाएगा तो एट्रियम से ब्लड जो होगा क्या वो इजिली वेंट्रिकल के अंदर आ सकेगा, नहीं आ सकेगा। जैसा कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक दरवाजे से दूसरे एक दरवाजे से इंटर होकर रूम के अंदर जाते हो लेकिन दरवाजा अगर तंग है तो आप क्या करोगे, आप जोर लगाओगे। तो बच्चों इसी तरह होता क्या है कि मिट्रल स्टीनोसिस के अंदर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जब ब्लड जाता है तो लेफ्ट एट्रियम को जोर लगाना पड़ता है तब जाके ब्लड जाता है। इजीली जो ब्लड होता है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर नहीं जाता। जब ये इजीली ब्लड नहीं जाता लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर तो लेफ्ट एट्रियम जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से बच्चों लेफ्ट एट्रियम का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। अब इसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी। बात को समझे कि नहीं समझे। अब देखें अगर आपसे ये बंदा पूछे यार लेफ्ट एट्रियम के बिल्कुल स्ट्रक्चर पीछे एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है एसोफेगस, ये गुजर रहा होता है, समझ आ रही है, इसके पीछे एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है एसोफेगस। अब देखें अगर ये साइज में बढ़ता रहेगा तो क्या होगा बच्चों, सिंपल सी बात है, अगर ये साइज में बढ़ता रहेगा तो फिर क्या होगा कि जो लेफ्ट एट्रियम जो होगा वो एसोफेगस को, अच्छा वो क्या करेगा, वो एसोफेगस को लेफ्ट एट्रियम जो होगा वो जनाब एक तरह का कंप्रेस करेगा। जब लेफ्ट एट्रियम जो होगा वो जनाब आपके एसोफेगस को कंप्रेस करेगा तो अब मेरा आप लोगों से वेटिंग में है बच्चे, अब मैं क्या कर सकता हूँ यार, एक मिनट अभी उनको लाओ करता हूँ कुछ ना। अच्छा तो अब अगर हम ये देखते हैं फॉर एग्जांपल हमने जहां तक एक बात की थी कि देखें लेफ्ट एट्रियम जो होता है उसके पीछे जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वो एसोफेगस होता है, जब लेफ्ट एट्रियम के पीछे जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वो एसोफेगस होता है, तो अब क्या होता है कि जनाब अब मिट्रल स्टीनोसिस की वजह से लेफ्ट एट्रियम जो होता है वो जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब लेफ्ट एट्रियम जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। अब बच्चों जब लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी होगी उसके पीछे एसोफेगस जा रहा है तो एसोफेगस को वो क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। अब बच्चों जब एसोफेगस कंप्रेस होगी तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि बंदा क्या इजीली खाना
खा सकेगा? शाबाश, ये बताइएगा। बंदा इजीली खाना नहीं खा सकेगा। वो कंडीशन जिसमें जनाब आप इजीली खाना नहीं खा सकते, उस कंडीशन को आप कहते हैं डिसफेजिया। तो अब क्या होगा, एक तरह का डिसफेजिया हो जाएगा, नंबर टू। उसके बाद आगे आप लोगों ने देखना है कि हाँ जी जनाब, इसके साथ एक नर्व गुजर रही होती है, बिल्कुल साथ एक नर्व गुजर रही होती है। उस नर्व का नाम होता है रिकरंट लरेंजियल नर्व। क्या नाम होता है? एक तरह का रिकरंट लरेंजियल नर्व। अब होता क्या है, अब होता यह है कि लेफ्ट एट्रियम जो होता है ये एसोफेगस को भी कंप्रेस करता है, यही जो लेफ्ट एट्रियम होता है ये रिकरंट लरेंजियल नर्व को भी कंप्रेस करता है। ये क्या काम करता होता है सर, ये जनाब आपका अब होता क्या है, होता कुछ यूं है कि ये जनाब आपका साथ ही इसके एसोफेगस है ना, एसोफेगस के बिल्कुल साथ जो ये जो जा रही यहाँ पे एक नर्व पाई जाती है जिसका नाम होता है रिकरंट लरेंजियल नर्व। अब ये जो आपका लेफ्ट एट्रियम होता है ये एसोफेगस को भी कंप्रेस किया, रिकरंट लरेंजियल नर्व को भी कंप्रेस किया। जब बच्चों रिकरंट लरेंजियल नर्व को कंप्रेस करता है आपका लेफ्ट एट्रियम, तो इसकी वजह से क्या होता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होती है। ठीक हो गया। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा कि देखें जब मिट्रल स्टीनोसिस का पेशेंट होगा उसकी वजह से क्या होगा, लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी नंबर वन, नंबर टू क्या होगा, डिसफेजिया, नंबर थर्ड क्या होगा, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। ये तीनों ट्राइएड किसके हैं, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। वो पूछते होते हैं कि हाँ जी जनाब, आप पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद हिस्ट्री ऑफ डिसफेजिया, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ठीक हो गया, एंड ऑन एक्सरे शेडो देयर इज अ हाइपरट्रॉफी ऑफ लेफ्ट एट्रियम, व्हाट इज योर डायग्नोस। तो आपने कहना ये ऑल्टनर सिंड्रोम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता होता है। आपने क्या कहना, एक तरह का ऑल्टनर सिंड्रोम है ये बच्चों, एक ये एमसीक्यू है जो आप लोगों ने लिखना है। दूसरी बात देखें, एक और एमसीक्यू आता होता है कि रिकरंट लरेंजियल नर्व इज द ब्रांच ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग नर्व, यानी कि जो रिकरंट लरेंजियल नर्व होती है वो कौन सी, किसकी ब्रांच होती है। आपने कहना वेगस नर्व। इसके अंदर सिर्फ दो से तीन बातें जो है वो आपने देखनी है, और इसके अंदर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एक और आता होता है जो कि मल्टीपल टाइम्स मैंने खुद भी देखा है। क्या आता है, वो इस तरह पूछते होते हैं कि हाँ जी जनाब, एक पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है इमरजेंसी के अंदर, और उसके बाद जनाब उसकी जनाब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की हिस्ट्री है। अब उसका क्या था, हार्ट का जो वेंट्रिकल है वो जनाब एक तरह का ट्रॉमा हुआ है। मोस्ट कॉमन ऐसा कौन सा हार्ट का वेंट्रिकल होता है जो कि डैमेज हुआ होगा? बच्चों राइट वेंट्रिकल जो होता है वो मोस्ट कॉमन डैमेज होता है। क्यों? क्योंकि एंटीरियरली सबसे ज्यादा जिसकी सरफस होती है वो राइट वेंट्रिकल होता है। ये देखें, अब मेरा ये देखें किसकी सरफस सबसे ज्यादा है। अगर आप खुद देखें, इसकी सरफस सबसे ज्यादा है, इसकी सरफस भी कम है, इसकी सरफस भी कम है, तो सबसे ज्यादा तो कौन डैमेज होगा, राइट वेंट्रिकल डैमेज होगा। देखें ये तीन से चार एमसीक्यूज हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा, अगर फॉर एग्जांपल वो इस तरह आते हैं कि हाँ जी जनाब, अ पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद हिस्ट्री ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ठीक हो गया, अ पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद हिस्ट्री ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, विच ऑफ फॉलोइंग पार्ट ऑफ द हार्ट इज द मोस्ट ससेप्टिबल टू द has a traumatic history। तो आपने क्या कहना है कि कौन सा होगा जो कि जनाब डैमेज होगा, तो आपने कहना राइट वेंट्रिकल। उसकी वजह क्या है, आपने कहना सरफस एरिया इसका सबसे ज्यादा होता है। ये बच्चों सारी ये बातें थी इस पैराग्राफ के अंदर। कौन से एमसीक्यूज मैं अभी लिख देता हूँ। सबसे पहले मोस्ट पोस्टीरियर स्ट्रक्चर कौन सा है, लेफ्ट एट्रियम, नंबर वन। ऑल्टनर सिंड्रोम का ट्राइएड क्या है, लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी। उसके बाद आपने क्या कहना होता है, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर डिसफेजिया, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। इसके बाद क्या एमसीक्यूज है, रिकरेंट लरेंजियल नर्व इज द ब्रांच ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग नर्व, वेगस नर्व। उसके बाद कौन सा ऐसा हार्ट का स्ट्रक्चर है जो कि मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होता है, या सॉरी ट्रॉमा की हिस्ट्री के अंदर डैमेज होता है, तो आपने क्या कहना है, आपने कहना है कि मोस्ट कॉमन जो होता है वो जनाब आपका राइट वेंट्रिकल होता है। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसका कोई क्वेश्चन हो, शाबाश नहीं मान। होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी यहाँ तक। अब हम आगे निकलते हैं, ठीक है। ये होगा जनाब आपका आपका यहाँ तक सारा। कोई ऐसा बच्चा जिसका कोई क्वेश्चन हो, जल्दी जल्दी हमने करना है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि सारा जो है ना उसको साथ कवर करना जरूरी है। ओके जी, आगे आ जाओ। आगे देखो, ये एक बार ना बुक से आपने खुद पढ़ लेना, सारी चीजें वही लिखी हुई है, कोई और चीज नहीं लिखी हुई, ईच एंड एवरीथिंग वो है, जो भी चीज हमने पढ़ी है वो सारी की सारी वो होगी, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आप लोगों ने को पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब, पेरिकार्डियल क्या होता है। पेरिकार्डियम वो कैविटी होती है जो कि हार्ट को कवर करती होती है। तो आपने कहना पेरिकार्डियल कैविटी वो कैविटी है जो कि आपके हार्ट को एक तरह की कवर करती होती है। सबसे आउटर लेयर जो होती है वो जनाब आपकी पेरिकार्डियम होती है। अब देखें, ये जो पेरिकार्डियम होती है ना, इस पेरिकार्डियम को हम बेसिकली दो लेयर्स के अंदर डिवाइड करते हैं, लेकिन किसी किसी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि तीन लेयर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। वो स्टूडेंट्स ने किसी ने रब्ता किया था सैफ इस वजह से वो कुछ स्टूडेंट्स ने रब्ता किया था इस वजह से, ठीक है। तो अब देखें, आप लोगों ने क्या कहना, यार ये कुछ बच्चे
इधर ऐड है तो सही, फातिमा के अभी मैसेज आ रहे हैं कि लैटिन कीजिएगा, लेकिन वो है तो सही ग्रुप में, इधर है कि नहीं? अच्छा अभी हो जैन, ये नेक्स्ट टाइम जो है ना इसके ऊपर जो है ना इसको हमने ठीक करना है यार, ये काफी अरे हो मैंने गया। ये ट्राई करनी कि अगर आप होस्ट बनाते हो तो मेरे को आई थिंक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन तो नहीं आएगा, क्योंकि मीटिंग की आईडी तो आपके पास है ना। चलो मैं ये कर लेता हूँ। अच्छा अब देखें, अब देखो फॉर एग्जांपल पेरिकार्डियम कैविटी का क्या हिसाब होता है। पेरिकार्डियम कैविटी आपने कहना सबसे आउटर जो लेयर होती है ना बच्चों, वो जनाब आपकी पेरिकार्डियम होती है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेसिकली जो ये लिखा हुआ है ना कि आपकी तीन लेयर्स होती हैं, आपने ये कहना होता है कि आपकी बेसिकली जो लेयर्स होती हैं पेरिकार्डियम की वो दो लेयर्स होती हैं। एक लेयर्स को हम फर्दर दो लेयर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाएं तो उनसे लिखा हुआ कि इसकी तीन लेयर है। सबसे पहले क्या होती है? फाइब्रस लेयर। कौन सी थी? आपकी एक तरह की फाइब्रस लेयर होती है। उसके बाद अंदर वाली जो फाइब्रस लेयर होती है उसके बाद हमने क्या कहना होता है, आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब इसकी पेरिकार्डियम की जो सीरस लेयर होती है इसकी दो लेयर्स होती है। सीरस लेयर जो होती है इसकी फर्दर दो लेयर होती है। बेसिकली जो पेरिटोनियम पेरिकार्डियम होती है इसकी दो लेयर्स होती है। पहली जो लेयर होती है उसको फाइब्रस लेयर कहते हैं, दूसरी जो लेयर होती है उसको सीरस लेयर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नहीं है लेकिन फिर भी आपने कहना इसके आगे दो फर्दर टाइप्स है, कौन कौन सी? पैराइटल सीरस और विसरल सीरस। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कौन सा आता है? पेरिकार्डियल कैविटी कहाँ पर होती है, ये एक एमसीक्यूज आता होता है। आपने कहना है कि पेरिकार्डियल कैविटी लाइज बिटवीन द पैराइटल एंड विसरल लेयर। कहाँ पर पाई लाई करती होती है? आपने कहना यहाँ पर, इन दोनों के दरमियान में जो कैविटी लायर करती होती है उसको हम क्या कहते होते हैं, ये जगह पे वो कौन सी होती है आपकी, वो आपने कहना पेरिकार्डियल कैविटी होती है, ठीक हो गया। अब बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता होता है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। जस्ट इमेजिन फॉर एग्जाम्पल वो मैं क्वेश्चन लिखने लगा फिर हम आगे जाएंगे। एक क्वेश्चन आता होता है कि हाँ जी जनाब अ पेशेंट प्रेजेंट टू यू, अ पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद हिस्ट्री ऑफ फीवर, फीवर अ पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद हिस्ट्री ऑफ फीवर।